Oh, today is 2nd of December 2018 and I'm finally shooting a video after 3 weeks. So, aaj jo hum smartphone review karne wale hain wo ye wala smartphone hai aur is phone ka naam hai Vivo Y95. Main aapko bata deta hu iski price hogi 16,990 rupees. Ye do color mein aata hai. Sabse pehla color is cherry black aur second color hai ye nebula purple. जो आजकल काफी ट्रेंडिंग में और काफी सारे स्मार्टफोन्स में ये कलर आप देख सकते हो, जैसे कि ओप्पो R17 और हुआवे मेट 20 प्रो में. अगर आपको ये वेरिएंट भी लेना है तो ले लेना. आरके इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने फोन लिया है तो आप भी ले लेना, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी, फ्लिपकार्ट या अमेजोन कहीं पे भी अवेलेबल होगा तो वहां से भी आके इसे ले लेना. स्क्रीन आप देख सकते हो वाटर ड्रॉप डिस्प्ले या फिर वीवो का हेलो फुल व्यू डिस्प्ले है. इसका डिस्प्ले साइज है गाइस 6.22 इंचेस का. स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो दी गई है वो 88.6 सेंटीमीटर्स की है. 2.0 के नैरो बेजल्स आपको इस फोन में देखने मिलेंगे. अब बात कर लेते हैं गाइस इस फोन के फिंगरप्रिंट और फेस आईडी के बारे में. तो गाइस अभी जल्दी से मैं इसकी फिंगरप्रिंट टेस्ट करके आपको बता देता हूं. उसके अंदर फिंगरप्रिंट और फेस आईडी सब कुछ है, तो मैं पहला फिंगरप्रिंट बता देता हूं. अब मैं फटाफट से फेस आईडी को भी कर लेता हूं इसके अंदर कॉन्फिगर. यहाँ पे ये देखिए प्राइवेसी एंड ऐप एनक्रिप्शन का भी ऑप्शन है. मतलब अगर आपका व्हाट्सएप या फिर फेसबुक कुछ भी है तो बस ये दबा दो, ऐप सिलेक्ट कर लो गाइस, और फिर डायरेक्टली आप अपने फेस से भी ऐप को अनलॉक कर सकते हो. सो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, मुझे अच्छा लगा पर्सनली. और ये देखिए फिंगरप्रिंट को भी हमने कर लिया है रजिस्टर्ड पहले से. अब टेस्ट कर लेते हैं इसकी फिंगरप्रिंट और फेस आईडी. सबसे पहले टेस्ट करते हैं इसकी फेस आईडी. ये देखिए मैं स्पेक्स पहना हूँ और ये देखिए कैसा फ़ोन अपने आप खुल गया. मैं फ़ोन इस तरफ करता हूँ और मेरी तरफ करता हूँ जैसे ही ये खुल गया गाइस. सो वीवो में काफ़ी अच्छी फेस आईडी की टेक्नोलॉजी है. सो फेस आईडी का तो कोई इशू नहीं है. अब देख लेते हैं फिंगरप्रिंट. सो यहाँ देखिए गाइस ये पीछे फिंगरप्रिंट दी गई है और नीचे वीवो की ब्रांडिंग है. जैसे ही मैंने मेरी फर्स्ट उंगली टैप किया ये देखिए लॉक खुल गया. टैप कर रहा हूँ खुल गया, टैप किया खुल गया. सो दैट्स हाउ दे वर्क. और फिंगरप्रिंट और फेस आईडी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं. गाइस अब चलते हैं इसकी सेटिंग्स में और मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अबाउट फोन के बारे में. सो कुछ ऐसी दिखती है इसकी सेटिंग्स. और ये फन टच का ओएस सिस्टम पे रन कर रही है. और मैं अभी आपको ले चलता हूँ रैम और स्टोरेज स्पेस में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वाले वेरियंट में मिलेगा 4 GB ऑफ रैम, 64 GB की टोटल स्टोरेज, और अवेलेबल जो स्टोरेज आपको मिलेगी वो 52.58 GB की मिलेगी. अब मैं दिखा देता हूँ आपको इसकी मोर सेटिंग्स में जाके, अबाउट फोन में जाके. सो गाइज ये देखिए एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 पे ये रन कर रहा है और 1.95 का ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 439 चिपसेट के साथ में ये फ़ोन आता है. और बाकी सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है. और जो ओएस सिस्टम गाइज इसके अंदर दिया गया है वो फन टच का ओएस सिस्टम है और ये रन करता है 4.5 वाले ओएस वर्जन के ऊपर. यहाँ पे आप देख सकते हो वीवो रोम लिखा है. सो या गाइज ये है वो सॉफ्टवेयर. काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक एंड्रॉयड बेटर है. इस चीज़ जो है उसकी बैटरी है गाइज. इसमें बैटरी काफ़ी बड़ी दी गई है, 4030 mAh की आपको इसके अंदर बैटरी दी गई है जो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है. और इंटरनेट यूज़ करने पे आपका 6 से 7 घंटा आराम से बैटरी चलेगी फुल हैवी यूजेज करने के बाद भी. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसका जो स्क्रीन है गाइस, ये देखिए वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, और ऊपर की तरफ से इसकी नोटिफिकेशन दिखती है. नीचे की तरफ से ऊपर स्वाइप करोगे तो इसके जो बेसिक गेस्चर्स है वो आपको इसमें देखने मिलेंगे, जैसे कि आई प्रोटेक्शन हो गया, वाईफाई, फ्लैश लाइट एंड ऑल वगैरह. और ये फ़ोन गाइस आपके हाथ में फिसलेगा नहीं, क्योंकि ये देखिए ये थोड़ा कर्व होता है नीचे से. सो या ये काफ़ी अच्छी बात है इसकी. अब मैं दिखा देता हूँ फिजिकल ओवरव्यू. नीचे की तरफ गाइस आप देखोगे तो आपको दिखेगा स्पीकर ग्रिल, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, और यहाँ पे एक माइक्रोफोन है, और उसके बाजू में 3.5 mm का ऑडियो जैक है. तो ऑडियो जैक नहीं निकला है. और फोन के राइट हैंड साइड पे देखोगे तो सिम इजेक्शन टूल दी गई है जो डुअल सिम कार्ड है. इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो वॉल्यूम रॉकर्स के बटन है, और उसके नीचे है पावर अनलॉक वाला बटन. पीछे की तरफ गाइस एक फिंगरप्रिंट है, नीचे वीवो की ब्रांडिंग है, और 2 कैमराज है. कैमरा इस फोन के काफी अच्छी मेन हाईलाइट है. सो कैमरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. इसका जो फ्रंट कैमरा है गाइस वो एक AI कैमरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आता है, और ये 20 MP का कैमरा है. और देखते हैं इसकी लो लाइट वाली सेल्फी कैसे आएगी. तो मैं जल्दी से इसका कैमरा बता देता हूँ क्योंकि अंधेरा होने वाला है और अभी ऑलरेडी 7 बज चुके हैं. सो हमें जल्दी करना होगा. सो चलिए गाइस फिर मैं इसका बता देता हूँ कैमरा ऐप, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो.
ये देखिए मैं कैमरा ऐप में गया गाइस, सो कुछ इस तरीके का गाइस इसका इंटरफेस दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हो टेक फोटो मोड है, वीडियो मोड है, एआर स्टिकर मोड है। एआर स्टिकर मोड काफ़ी अच्छा है, वो बैकग्राउंड में भी दिया गया है और फ्रंट में भी दिया गया है, सो काफ़ी अच्छी बात है गाइस। और यहाँ पे फेस ब्यूटी का भी आपको ऑप्शन देखने मिलेगा, पैनोरामा का भी ऑप्शन देखने मिलेगा, प्रोफेशनल मोड का भी ऑप्शन देखने मिलेगा। अगर आपको आईएसओ और एएफ के साथ में खेलना है तो आप प्रोफेशनल मोड में खेल सकते हो। और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ऊपर फ्लैश है और यहाँ पे सेटिंग्स है। अब मैं दिखा देता हूँ इसका एक शूट करके, एक क्लिक करके कि किस तरीके से इसका कैमरा वर्क करता है। अब यहाँ पे देख लो, सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूँ और फोटो अपने आप खींची जा रही है। और मैं इसे होल्ड करके रखूँगा गाइस, तो आप यहाँ पे देख लो 20 फोटो एक साथ क्लिक हो सकती है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप फास्ट मोशन में क्लिक करना चाहते हो तो वो भी काफ़ी इजीली आप इसमें कर सकते हो। और यहाँ पे गूगल लेंस का ऑप्शन है और उसी के बाजू में वेरियस फिल्टर्स का ऑप्शन है, तो फिल्टर्स भी आप इसमें लगा सकते हो। और ऊपर की तरफ गाइस आप देख लो, आपको मिलेगा इसमें एक पोर्ट्रेट मोड और एक लाइव फोकस वाला मोड। सो ये दो मोड काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो वीवो वाले ने ये दो मोड भी डाले इस फ़ोन के अंदर। सो थम्स अप वीवो फॉर दैट। गाइस आप देख लो, अभी मैंने स्विच कर चुका हूँ इस कैमरे में, जो वीवो Y95 का कैमरा है, 20 मेगापिक्सल का कैमरा है गाइस। और आप यहाँ पे देख लो, काफ़ी अंधेरा हो चुका है लेकिन भी ये मेरा फेस काफ़ी ग्लो कर रहा है इसकी AR की मदद से, क्योंकि AI वाला जो इसके अंदर जो फीचर है AI का, वो काफ़ी अच्छा है गाइस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मैं काला नहीं दिखूंगा। सो अगर आपको वीडियो बनाना है, वीडियो काफ़ी अच्छे बनेंगे। फिलहाल मैं ये शूट कर रहा हूँ 1080p में, 720p और 480p, ये तीन इसकी जो क्लैरिटीज़ है, आप तीन क्लैरिटीज़ में से स्विच करके कौन सी भी मैक्सिमम हाईएस्ट क्वालिटी है 1080p उसमें आप शूट कर सकते हो। सो नाउ मैं स्विच कर चुका हूँ बैक कैमरे में। सो देख लो, बैक कैमरा इतना कुछ खास नहीं है गाइस, 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और उसी के साथ में 2 मेगापिक्सल वाला एक छोटा कैमरा दिया गया है, जिसके मदद से आप बुके मोड या फिर पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। और अभी मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि अंधेरे में इसका कैसा दिखता है। अभी पूरा डार्क है आगे, सो फिर भी हल्का हल्का ये लो लाइट की मदद से गोरा कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक क्रो खड़ा है, मैं उस क्रो पे जूम कर लेता हूँ। सो आप देख लो, ये गाइस ये मैंने 4x का जूम कर चुका हूँ। सो कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है, मैं इसे गोरा भी कर सकता हूँ ISO की मदद से। सो ये फंक्शन काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अंधेरा हो चुका है, मैं एक मोबाइल की फ्लैश चालू करके वीडियो बना रहा हूँ। सो बाय द वे, जिस किसी को भी नहीं पता मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स को, मेरा नाम है बाबर खत्री और धीरे धीरे हम लोग ग्रो कर रहे हैं और मैं रेगुलर हो ही नहीं पा रहा हूँ। सो अब से मैं रेगुलर होऊंगा गाइस, और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी, ब्लॉगिंग वीडियोज़ भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, टेक्नोलॉजी वीडियोज़ भी आपके लिए लेके आऊँगा। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अप टू डेट रहो बेल आइकन दबा के। अब मैं बता देता हूँ गाइज उस फ़ोन के बारे में। वो फ़ोन गाइज अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो फ़ोन काफ़ी कॉस्टली है और कैमरा भी उस फ़ोन का इतना कुछ खास नहीं है। सो अगर आपको डायहार्ड फैन हो वीवो के तो ही लो वो फ़ोन, नहीं तो कोई बात नहीं, मार्केट में और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है। और कल मैं ओप्पो R17 का एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, वो वीडियो देखना, वो काफ़ी अच्छा वीडियो होगा, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब भी कर लो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो मेरा चैनल, मेरा वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त बाबर खत्री, और फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे भी। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।